तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएसटी शॉर्ट्स चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को सेल्फी राज के बारे में बात करने वाले हैं। इस समय सेल्फी राज का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो मैं कुछ सेल्फी राज का वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद मैं सेल्फी राज के बारे में बात करूंगा। तो आइए आप लोगों को सेल्फी राज का वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद सेल्फी राज के बात करते हैं कि सेल्फी राज का वीडियो है या नहीं है, आप लोगों की इसमें सच्चाई बताऊंगा। आइए सीधा आप लोगों को सेल्फी राज का वीडियो। सबर करो जोट मोट में मैं एक वो पेपर पे साइन की थी आईडी कार्ड के लिए, पटेल फिल्म पहले वहाँ पे मैं रहती नहीं तो वहाँ पे कंपनी नया नया खुला था, तो कंपनी वाला बोला कि मेरे यहाँ से गई शुरू शुरू में मैं गई थी पटना, तो मैं सारे स्टूडियो में हर एक स्टूडियो में मैंने रिक्वेस्ट किया है, सबके स्टूडियो में बोलती थी सर मुझे भी गाना गवाइए, दो दो तीन तीन बार मैं स्टूडियो में जाती थी करने के लिए। सबसे मैं घर से भी नहीं इसलिए गई थी कि जरूर ना एक दिन मुझे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग मुझे पसंद, मेरी आवाज को पसंद करेंगे, आप लोग नहीं मानेंगे। आप लोगों ने सेल्फी राज का वीडियो देखा और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो पे तिशाकर मधु का क्या कहने। तो आइए आप लोगों को लाइव वीडियो दिखाते हैं तिशाकर मधु का भी वीडियो, आइए सीधा आप लोगों को वीडियो की तरफ ले चलते हैं। पास तो सेल्फी जी का नंबर नहीं है, मैं डायरेक्ट एक ही दो बार मिली हूँ। मुझे नहीं पता आपके साथ ये क्या है, सच है कि झूठ है, बस इतना पता है जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं इस पल से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कितना वो होता है, जैसे जो कर रहे हैं ना, जिनका ये षड्यंत्र है रचा हुआ है बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की का इज्जत को लेके उछाला जा रहा है ना, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, मेरे से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो भी वीडियो वायरल हुआ ये सब अफवाह है, तो आइए सिर्फ समाप्त करते हैं।